मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पहले कभी नहीं पढ़ा था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से लोग बहुत डरते थे कि यार 112 सेक्शन है प्रीलिम्स में, तो उसमें मैंने सर की टेक्निक अपनाई कि यार देखो क्या आ रहा है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मैं भी चाहता तो 112 पढ़ता और हो सकता है मेरा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे, आप जिस जगह पे आए हो ना, आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही है। बस आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि ये जो आस पास इधर उधर की नेगेटिविटी है, इससे आप खुद को बचा के रखिए, क्योंकि हर दूसरा बंदा आपको यही कहेगा, अरे यार ये तो ये नहीं पढ़ाया, अरे यार इन्होंने तो ये नहीं टच कराया। आपको इस पे नहीं ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या मिल रहा है। अभी भी जब CRPC की क्लास दे रहे थे सर, तो चैप्टर 12 सर ने बहुत प्यार से पढ़ाया, एकदम आराम आराम से पढ़ाया, और वहीं कोई चैप्टर सर ने 2-3 दिन में पढ़ा दिया। अब मैंने जब मेंस लिखा तो देखा चैप्टर 12 का क्वेश्चन आया हुआ था, और वो जो 2-3 दिन में सर ने पढ़ा दिया उसका कोई सवाल ही नहीं, ना प्री में ना मेंस में, इंटरव्यू में, तो बहुत दूर की बात है। तो आपको पहले तो अपने आप पे फेथ रखना है, सबसे पहले आप आए हो यहाँ पे तैयारी करने, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, क्योंकि ये कोई और आपको नहीं बताने आएगा। बहुत बारी होगा आप पढ़ोगे, आपको लगेगा यार अब छोड़ देते हैं, बहुत बारी आपको लगेगा यार मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपको बार बार अपने आप से ही जीतना है, आपके अंदर से ही आएगा मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप ही के अंदर से आएगा कि मैं करके ही छोड़ूंगा। आज मैंने सोचा है इतना, तो आज मैं इतना करके ही छोड़ूंगा, इससे पहले तो मैं उठूंगा नहीं। दूसरी चीज, आपको सर पे भरोसा रखना है। मेरी दीदी के जो बैच के और भी बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे सर के बारे में बताते थे जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट नहीं था, तो मैं उनकी बातें सुनता था, और आज मैं आपसे उन्हीं की बातें जो मैं उनसे सुनता था, आज जो खुद से फील कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से सर ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ा दिया, रेस जुडिकाटा जिस तरीके से सर ने पढ़ा दिया, एग्जीक्यूशन जिस तरीके से सर ने आपको समझा दिया, और भी आप देखो सर, ऑर्डर 1-20 में ऑर्डर 1 रूल 1 हो गया, ऑर्डर 1 रूल 10 हो गया, वो सारी चीजें जो सर आराम आराम से आपको पढ़ाते जाते हैं और आप उनकी बात सुनते जाते हो, आपकी तैयारी हो गई।